हेलो बच्चों, मैं राघव चौधरी और आप सभी का स्वागत करता हूं टीवी एकेडमी पे। बेटे, पिछले वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को ये बताया था कि हमारे सेकेंड टर्म जो सीबीएसई के बच्चे हैं, जो उनके सेकेंड टर्म का अकाउंटेंसी का सिलेबस है, उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, उनको कौन कौन से चैप्टर्स कवर करने हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ कि भाई जो सीबीएसई के द्वारा जो सेकेंड टर्म को लेकर के सैंपल पेपर इशू किए गए हैं, उसके अंदर कितने क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से चैप्टर से, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए और कितने नंबर के पूछे गए। ठीक है बेटे, सो चलिए इस वीडियो के स्टार्ट करते हैं, सो देट कि आपको डिटेल में एनालिसिस मिल सके और उसी के पैटर्न के बेस पे आप अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू कर सके सेकेंड टर्म के लिए। ठीक है बेटे, चलिए स्टार्ट। बेटे, आप जैसा कि जानते हैं कि भाई जो आपका सेकेंड टर्म है, इसके अंदर जो सैंपल पर रिलीज किया गया है सीबीएसई के द्वारा, इसके दो पार्ट हैं, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर टोटल अगर ओवरऑल देखोगे एनालिसिस में, तो भाई पार्ट ए के अंदर 9 क्वेश्चन पूछे गए और जबकि पार्ट बी के अंदर खाली 3 क्वेश्चन पूछे गए। पार्ट ए के अंदर जो 9 क्वेश्चन पूछे गए वो कौन कौन से टॉपिक से पूछे गए, सो दैट कि आप में से सभी बच्चे 40 out of 40 स्कोर कर सकें। तो उसके लिए आपको ये पहले समझ में आना चाहिए कि किस टॉपिक से और किस चैप्टर से, कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछा गया है। तो देखो भाई, पार्ट ए के अंदर जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था या पूछा गया है सैंपल पेपर के अंदर, वो एनपीओ कंज्यूमेबल आइटम्स है ना। आप जानते हो कि एनपीओ के अंदर बेसिकली मेनली 3-4 ही टॉपिक्स हैं जो कवर करने होते हैं अच्छे से। एक तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग, दूसरा कंज्यूमेबल आइटम्स का ट्रीटमेंट, सब्सक्रिप्शन का, और नॉर्मली इनकम एंड एक्सपेंडिचर से 5 नंबर का क्वेश्चन जनरली पहले जो है वो 6 मार्क्स का आता था, अब वही जो है वो 5 मार्क्स का हो गया। सो कोई उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं है। तो एक क्वेश्चन एनपीओ से हो गया कंज्यूमेबल आइटम का। उसके बाद डिसोल्यूशन से जो है वो पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बीच में अंतर क्या होता है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो नंबर के क्वेश्चन हैं, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 2 marks, 3 marks and 5 marks के क्वेश्चन पूछे गए हैं। 1 marker एक भी क्वेश्चन नहीं है, ना 4 marker का क्वेश्चन है, ना 6 marks के क्वेश्चन है। सो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 5 mark के क्वेश्चन पूछे गए। देन रिटायरमेंट, गुडविल का ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है, रिटायरमेंट से ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, बहुत आसान। एनपीओ सब्सक्रिप्शन का, और एनपीओ में फिर ऑप्शन दे दिए, ठीक है ना। 3 नंबर के क्वेश्चनों में खाली एक ही ऑप्शन, 2 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो एनपीओ के अंदर एनपीओ ही ऑप्शंस में दिया गया, एक में पूछा गया है सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट, दूसरे में बैलेंस शीट के अंदर कुछ आइटम्स दे दिए आपको, उसको बैलेंस शीट के अंदर ट्रीट करने कि बैलेंस शीट में उसको कैसे हम प्रेजेंट करेंगे। सो ये 4 क्वेश्चन ऐसे इस तरीके से पूछे गए। बाकी के जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो डेथ से पूछा गया, जिसमें डिजीज पार्टनर्स, जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसके जो एग्जीक्यूटर को पे करने के लिए बेसिकली हमें डिजीज पार्टनर्स का जो शेयर प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है, वहां से क्वेश्चन पूछा गया 3 नंबर के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो इशू ऑफ डिवेंचर, और उसी को ऑप्शन में इशू ऑफ डिवेंचर्स के लिए। तो आप जानते हैं कि भाई इशू ऑफ डिवेंचर्स कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आपने शेयर कैपिटल पढ़ा हुआ है तो नॉर्मली बहुत आसानी से है ना इशू ऑफ डिवेंचर्स आपके लिए आसान हो जाएगा। जिसके अंदर आप जानते हो कि जो हम डिवेंचर्स हैं वो कैश में इशू कर सकते हैं, या अदर देन कैश इशू कर सकते हैं, या फिर हम कोलैटरल सिक्योरिटी में इशू कर सकते हैं। तो यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है जो कि पूछा भी गया है, इशू ऑफ डिवेंचर अदर देन कैश, और इशू ऑफ डिवेंचर और में कोलैटरल सिक्योरिटी। फिर 7 जो क्वेश्चन है वो डिसोल्यूशन से जर्नल एंट्री पूछी गई है, और आप जानते हो कि डिसोल्यूशन से जर्नल एंट्री बहुत बार बार पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से कवर करना है आप लोगों ने। और रिटायरमेंट से लेजर पूछा गया है, जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट पूछ ली गई है। सो ये 5 marks में एक ही ऑप्शन है। देन इसके बाद इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर के अंदर मेरे बेटे जो जर्नल एंट्री है वहां से क्वेश्चन पूछा गया, बहुत आसान सा, 5 नंबर के लिए। और एनपीओ से फिर अगेन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पूछ लिया गया है 5 मार्क्स के लिए। सो ये पार्ट ए है, जिसके अंदर 3 नंबर के, 2 नंबर के 3 क्वेश्चंस, 3 नंबर के भी 3 क्वेश्चंस और 5 नंबर के भी 3 क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, तो 9 क्वेश्चन हो जाते हैं। अब पार्ट बी का देखते हैं कि पार्ट बी का क्या सिनेरियो है। ठीक है, तो देखो बेटे, जो पार्ट बी है उसके अंदर क्या पूछा जा रहा है। सो पार्ट बी के अंदर कुल 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पार्ट बी जो है वो टोटल 10 नंबर कवर करता है। ठीक है बेटे, उस 10 नंबर के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है 2 नंबर का, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है 3 नंबर का, और एक क्वेश्चन 5 नंबर के लिए पूछा जा रहा है। ठीक है, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वहां से थ्योरी में पूछा गया 2 नंबर का एक क्वेश्चन। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा गया, और जो 12वां क्वेश्चन है वो 5 नंबर के लिए पूछा।
फुल फ्लैज क्वेश्चन है, मैक्सिमम दो से तीन एडजस्टमेंट देंगे, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा आपको देखने को। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर कवर हो जाता है 10 नंबरों में से, और कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट में एक आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। पहले सॉरी मैंने बोल दिया था कि कोई ऑप्शन नहीं है, बट अभी जो है वो नॉर्मली आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, कंपैरेटिव और कॉमन साइज के बीच में कोई ना कोई ऑप्शन आपको बना के दे दिया जाएगा। तो ये था ओवरऑल जो है वो पूरा का पूरा अकाउंटेंसी का एनालिसिस, पेपर का सेकेंड टर्म के जो सैम्पल पर है उसका एनालिसिस। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज टॉपिक जो है वो वीडियो लेके आने वाला हूँ, जिसमें नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को या जो अगला वीडियो है वो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स के ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेगा। सो जो बच्चा पढ़ना चाहता है रेगुलरली, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं रेगुलरली वीडियो अपलोड करता रहूं एक प्रॉपर शेड्यूल में, एक प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन में। तो आगे जो वीडियो है वो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स के ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेगा। सो जो बच्चा कंटिन्यूअसली पढ़ना चाहता है वो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जो है वो चैनल को शेयर करें।